सागर में इतना भीषण सड़क हादसा हुआ कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। दरअसल दमोह मार्ग पर सानोधा थाना क्षेत्र इलाके में परसोरिया के पास सागर से आ रही एक कार पर सामने से आ रहा कंटेनर चढ़ गया, जिसके वजन से कार पूरी तरह चपटी हो गई। कार में एक ही परिवार के 5 लोग बैठे थे। जानकारी के मुताबिक सागर के संदेश जैन, उनकी मां प्रभा जैन, पत्नी निधि जैन, बहू नैन्सी जैन और उत्कर्ष जैन के साथ दमोह की तरफ से सागर आ रहे थे। उनकी i10 कार को उनका ड्राइवर चला रहा था। सागर जिले के परसोरिया के पास सामने से आ रहे कंटेनर के ड्राइवर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए तेज रफ्तार में सीधे कार को टक्कर मार दी। कंटेनर का अगला पहिया सीधा उछलकर कार के ऊपर जा गिरा। कंटेनर कार को घिसटते हुए सड़क किनारे जा घुसा, जिससे कार का ये हाल हो गया। अंदर बैठे जैन परिवार के सभी सदस्यों की दबने से मौत हो गई। एक एक्सीडेंट हुआ है जटाशंकर के पास में सानोधा थाना क्षेत्र में। परसोरिया के जैन परिवार है, जिनमें से 3 महिलाएं, 1 बच्चा और 2 जेंट्स सागर से लौट रहे थे परसोरिया तरफ, और एक आईसर आ रहा था दमोह तरफ से, गड़ाकुटा तरफ से सागर तरफ। जो एक्सीडेंट हो गया, घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है, ट्रेन और अदर चीज़ों की, और डेड बॉडी जो है जिला अस्पताल सागर पहुँच चुकी है। उनमें से एक की जिंदा होने की वो खबर है, जो कि अब हॉस्पिटल पहुँच गए। बता दें कि एक्सीडेंट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने कार में सवार घायलों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन कंटेनर के वजन के कारण नहीं निकाल सके, जिसके बाद मौके पर विधायक प्रदीप लारिया सहित दर्जनों लोग पहुंच गए थे। पुलिस ने 2 क्रेन और हाइड्रोलिक मशीन बुलवा कर कंटेनर को उठवाया, जिसके बाद शवों को बाहर निकाला गया। इधर हादसे पर सीएम मोहन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। सागर जिले के सनोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जटाशंकर घाटी सागर दमोह मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सागर से हिमांशु शिवापुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।